membership of the Congress party with immediate effect. Rahul Gandhi ji ke kehne par jis prakar se Congress party ne Manishankar Aiyar ji ko punah party mein sthan diya hai aur unke suspension ko revoke kiya hai, ye chinta ka vishay hai. आपको याद होगा कि श्री मणिशंकर अय्यर जी को सस्पेंड किया गया था 2017 दिसंबर के महीने में, और कारण था कि जिस प्रकार की टिप्पणी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया था, उन्हें नीच आदमी बताते हैं. उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान कि मोदी एक नीच किस्म का आदमी है जिनके पास कोई सभ्यता नहीं. आप बताइए, जिस प्रकार महीनों तक, दिसंबर से अब तक नौ महीनों तक अंधेरे के गर्भ में रहने के पश्चात पुनः कांग्रेस पार्टी में उस मणि का जन्म हुआ है जिनका नाम मणिशंकर अय्यर है. स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी इस मणि के बिना अधूरी थी. आज कांग्रेस पार्टी पुनः पूरी हुई है. जिस प्रकार की दिखावा कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास करती है, वह आज आपके सामने आया. दिस वॉज नॉट जस्ट अ रिमार्क, दिस वॉज एन इंसल्ट. नॉट जस्ट एन इंसल्ट ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, बट दिस वॉज एन इंसल्ट बिकॉज इट वॉज अ कास्टिस्ट रिमार्क. यह एक जातिवाद से भरा हुआ और जातिवादी टिप्पणी थी. जब आप किसी व्यक्ति को जो पिछड़ा है, जो पिछड़े वर्ग से आता है, उस व्यक्ति को, उस प्रधानमंत्री को जो गरीब है, आप उसे कहते हैं कि तू नीच आदमी है, तो स्वाभाविक रूप से यह संपूर्ण पिछड़े वर्ग के लिए एक गाली है. और यह बात राहुल गांधी जी ने भी स्वीकार किया, कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार किया. तभी तो उन्होंने मणिशंकर अय्यर जी को बाहर का रास्ता दिखाया था. मगर आज हम राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि उस समय तो आपने स्वीकार किया था कि ये जातिवादी टिप्पणी है और हम पिछड़े वर्ग के साथ खड़े हैं, ऐसी टिप्पणी पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति के नहीं होना चाहिए. क्या आज अपने हाथों को आप उस स्टैंड से पीछे खींच रहे हैं? जहां तक मणिशंकर अय्यर जी का सवाल है, वो विवादों से सदैव घिरे रहे. ही इज अ मैन ऑफ मेनी कॉन्ट्रोवर्सीज. आपको याद होगा इसी वर्ष 2018 में फरवरी के महीने में मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान गए थे. उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान. उन्होंने खुद कहा है, मुझे पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है. तो पाकिस्तान में जाकर जैसे उन्होंने कहा था कि भारत की जो पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, मैं उसकी निंदा करता हूं, एंड दैट पॉलिसी डज नॉट प्रमोट पीस, व्हाइल आई स्टैंड विद द पाकिस्तान पॉलिसी जो कि पीस को प्रमोट करती है. यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं मणिशंकर अय्यर जी सदैव पाकिस्तान को ही समर्थित रहे. की भूमि में एक साक्षात्कार टीवी चैनल को देते हुए टीवी चैनल को उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति तभी संभव है जब मोदी हटेंगे, इसलिए आप हमें मदद करो मोदी को हटाने. तो इस प्रकार का जाके मोदी जी की सुपारी पाकिस्तान में देने का काम कर रहे थे मणिशंकर अय्यर. आज उस मणि का पुनः जन्म हुआ है कांग्रेस पार्टी. 2017 में ये वही मणिशंकर हैं जिन्होंने कहा था कि हथियार उठाना कोई गलत काम नहीं है, और कश्मीरी युवक अगर कोई हथियार उठा रहा है तो उनको भाजपा के लोगों ने मजबूर किया है. 2014 में याद करिए, ये वही मणि है, ये साधारण मणि नहीं है, ये वही मणि है जिन्होंने 2014 में कहा था कि मैं वादा करता हूं कि 21वीं शताब्दी में मोदी कभी पीएम नहीं बन पाए, और अगर उनको कुछ काम करना है तो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर हम उन्हें एक स्थान मुहैया करेंगे जहां वो आके चाय बेच सकते. 2019 से पहले पुनः वो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में आ गए. जिस प्रकार के घमंड और अहंकार का परिचय मणिशंकर अय्यर जी ने गांधी परिवार के कहने पर दिया था, उसका नतीजा क्या हुआ था 2014 के चुनाव में, वो आपने देखा था. देयर वुड बी अ रिपीट ऑफ द सेम बिकॉज पीपल ऑफ दिस कंट्री do not have any appetite for arrogance, nor do they have any appetite for the kind of language that some of these congressmen have been using, particularly Mr. Manishankar. 2013 में मणिशंकर अय्यर जी ने मोदी जी को, मुझे कहते हुए भी कष्ट हो रहा है, सांप और बिच्छू का, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग. और चार्ली हेब्डो के समय आपको याद होगा जो आतंकी हमले हुए थे, पुरजोर तरीके से मीडिया चैनलों को स्वयं बुला बुलाकर
वो चार्ली हेब्डो का समर्थन करते, लव मैं कांग्रेस हूं और मैं प्यार हूं, योर लव इज बैक मिस्टर राहुल गांधी, आपका प्यार जो बिछड़ गया था आपसे, 9 महीनों तक आपका प्यार आपसे दूर रहा मणिशंकर अय्यर जी, वो पुनः वापस आ गए हैं आपके पास। अब दोनों मिलकर कितना प्यार फैलाएंगे ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। राहुल जी यह भी हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी व्यक्ति बिना आपके और सोनिया जी के अनुमति के, अर्थात गांधी परिवार के अनुमति के, कुछ भी नहीं कर सकता। पत्ता तक कांग्रेस पार्टी में हिलता नहीं। क्या यह हकीकत नहीं है कि गुजरात चुनाव के दौरान जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गुजरात की जनता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए किया गया मणिशंकर अय्यर द्वारा, वो आपके कहने पर ही किया गया और चंद दिनों के ड्रामा के पश्चात आप उनके सस्पेंशन को रिवोक करते हैं, इज इट नॉट अ टेलिंग स्टोरी? डज दिस नॉट कंप्लीटली एक्सपोज यू मिस्टर राहुल गांधी? वी वुड लाइक टू हैव एन आंसर फॉर यू। वी वुड ऑल्सो लाइक टू रिमाइंड द मीडिया एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट ड्यूरिंग द गुजरात इलेक्शन it was not just the niche comment of Mr. Manishankar Aiyar which had got the ire of people of India. प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से तू जाके चाय बेच बोला गया था, वह भी हमने वेरीफाइड हैंडल में देखा था। उस समय झूठ मूठ का आंसू बहाने का काम राहुल गांधी जी ने किया था, हकीकत अब सामने आ रहा है। वैसे राहुल जी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फहरिस्त है गालियों की, यह तो आदरणीय सोनिया जी से ही शुरू होता है। मौत का सौदागर, यमराज, रावण, गंदी नाली का कीड़ा, मंकी, रेबीज विक्टिम, वायरस, भस्मासुर, गंगुतेली, गून, ये सब शब्दों का प्रयोग बंधुओं मोदी जी के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर जैसे प्रवक्ताओं ने किया है। 9 महीनों तक तथाकथित कांग्रेस के गर्भ से दूर रहने के पश्चात कांग्रेस के परिवार में पुनः जो मणिशंकर अय्यर जी का जन्म हुआ है, संस्कृत में भी उनके लिए कहावत है, मणिनावलयं वलयेन मणि मणिनावलयेन विभाति करः। मणिनावलयं, वलयं मतलब कड़ा होता है, कंगन होता है, मणि मतलब तो मणि, जैसे मणि के बिना कंगन अधूरा है, वैसे ही कंगन के बिना मणि अधूरा है। एक दूसरे के पूरक है कंगन और मणि, ठीक वैसे ही मणिशंकर और राहुल गांधी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना वो अधूरे, तभी तो आज पुनः पार्टी में आविर्भाव हुआ। मणिनावलयं वलयेन मणि, मणिनावलयेन विभाति करः। और ये मणि जो है, मणि जड़ित कंगन जो है, अंततः ये क्या करता है, यह कर अर्थात हाथ के सुंदरता को बढ़ाता है। तो ये मणि जो राहुल के बिना अधूरे हैं और ये राहुल जो मणि के बिना अधूरे हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तो यह कर